हिमाचल में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। ऊना, मंडी, कांगड़ा, चंबा समेत कई जिलों में एक्टिव केस बढ़े हैं। कोरोना की चपेट में कई स्कूलों के छात्र भी आए हैं। बीते हफ्ते ही हिमाचल में 10वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले गए, लेकिन अब फिर से स्कूल बंद होने की संभावना है। आज कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, जिसमें स्कूल खोलने के फैसले और कोरोना के नियमों में भी सख्ती बढ़ाने का फैसला लिया जा सकता है। आज की कैबिनेट बैठक में भी स्वास्थ्य विभाग कोरोना के बढ़ते मामलों पर अपनी प्रस्तुति देगा। जयराम मंत्रिमंडल की बैठक आज विधानसभा सत्र के बाद विधानसभा सचिवालय में आयोजित की जाएगी। बैठक में स्कूल खोलने के फैसले की समीक्षा होगी, जिसके बारे में सीएम और शिक्षा मंत्री पहले ही कह चुके हैं। संभावना जताई जा रही है कि सरकार सख्ती बढ़ा सकती है। विधानसभा में पेश करने से पहले कुछ बिलों को भी मंत्रिमंडल के सामने पेश किया जा सकता है। हो सकता है कि बैठक में स्वास्थ्य विभाग बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के प्रवेश पर रोक लगाने की सिफारिश करे। श्रावण अष्टमी नवरात्र को लेकर भी बाहरी राज्यों से देवभूमि पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को बिना आरटीपीसीआर या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के एंट्री नहीं दी जा रही है। आपको बता दें कि करीब 2 हफ्ते पहले तक हिमाचल में एक्टिव केस 800 के करीब रह गए थे, लेकिन अब ये मामले 2000 के पार चले गए हैं, जबकि बीते 4 दिनों से कोरोना के मामले 200 से ज्यादा सामने आ रहे हैं। सोमवार को तो नए मामले 300 से भी ऊपर रहे, जबकि रविवार को ये आंकड़ा कम रहा, लेकिन रविवार को सैंपल भी रोजाना की अपेक्षा कम जांचे गए, जबकि शनिवार को 356 मामले सामने आए थे।